guys, my name is Vaibhav and welcome to another new episode of Rent Simulator. So in the last video guys, हम लोगों ने छोटा सा घर बनाया था, छोटा ही बोलेंगे हम इसको. मैं इसको छोटा बनाना चाहता था लेकिन फ्लो के चक्कर में बहुत बड़ा बन गया. एंड ऑफलाइन मैंने थोड़े से चेंजेस करे, इस तरह भी मैंने इसका एक एंट्रेंस बना दिया ताकि अगर मुझे यहाँ से ऊपर वाले फ्लोर पर जाना हो तो हम यहाँ से इजिली ऊपर जा सकते हैं. एंड बाकी मैंने ज़्यादा चेंज किया नहीं है, ऊपर भी मैंने थोड़ा सा चेंज करा है. यहाँ पे मैंने छोटी सी बालकनी बना दी है ताकि हमारे घर को एक अच्छी सी शेप आ सके. बट आज की वीडियो के लिए मैंने सोचा है कि आज जो हमारा एनिमल्स का बान है उसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे. एंड ऑटोमेटिक फीडर सिस्टम जो होता है वो मुझे आज अपने फार्म में बनाना है क्योंकि यार मुझे हर बार लोगों को खाना वगैरह खिलाना पड़ता है. एंड वैसे भी आप देख सकते हो वो जो पिग है उसने अभी बेबीज को जन्म भी दिया है. एक सेकेंड, ये गाय का बच्चा, ओ ये कब आ गया है? लो, एक सेकेंड भाई, वो गाय का बच्चा कब से आ गया? मैंने तो देखा ही नहीं. यहाँ से नीचे उतरने की एक ट्रिक है, यहाँ से जब लगा के सीधा नीचे उतर सकता हूँ. एक सेकंड भाई, ये गाय ने बच्चा कब पैदा करा? भाई मुझे तो पता ही नहीं, मैंने नोटिस ही नहीं करा. देखो ये पिग्स काफ़ी अच्छा है, आई थिंक ये उसका दूध पेरे में भी मेरे हिसाब से. नहीं अब ये मर गया, ओ इनकी माँ मर गई तो बच्चे रो रहे. गाइस रिप पिग लिख दो भाई कॉमेंट्स में, ये ऑटोमेटिकली मर गया. बट कैसे मर गया यार, ज़्यादा एज होने की वजह से मर गया. भाई खाना खत्म हो गया. भाई 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 वैभव क्या कर रहा है यार, मेरा ध्यान ही नहीं होता. ओ नो यार, इसलिए ना मुझे ऑटोमेटिक फीडर सिस्टम बनाना है. देखो मेरे पिग्स मर रहे हैं. ओके तो लेट मी सी. यार बच्चे दुखी दिख रहे हैं, देखो ये उसकी माँ को कैसे देख रहे हैं. अभी इसकी इनके सामने इसकी माँ को स्किन करना पड़ेगा. भाई ये बहुत ज़्यादा यू नो हार्ड ब्रेकिंग है मेरे लिए. एंड मैंने ऑफलाइन थोड़े से ना वुड परचेस करी थी ये वाला जो घर का साड़ है उसको बनाने के लिए. एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो मैंने मेरी फार्म बनाया था ना, फार्म नहीं जो हमारा गराज बनाया था उसको तो मैंने कलर ही नहीं करा है. और कलरिंग का काम करना इस गेम में यार बहुत ज़्यादा मुश्किल है. मैंने ऑफलाइन भी थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करी बट कुछ ठीक से हो नहीं पाया. सो दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि मैं इसको अभी कलर नहीं दूंगा. जब हमको बाद में कभी टाइम मिलेगा ना फुर्सत से, तब मैं इसको पूरा कलर देके कंप्लीट कर दूंगा. वेयर हाउस के अंदर में सारी के सारी अभी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा तो नहीं है, इनका बाद में यूज़ आने वाला है, उनको मैं इस रूम में रखवा देता हूँ. वैसे भी मैंने यहाँ पे सारा का सारा पेंट रखवा दिया है बिकॉज ये वेयर हाउस है एंड इसको हम एज अ वेयर हाउस ही यूज़ करेंगे. नहीं तो भाई पता चला इतना बड़ा वेयर हाउस बना दिया है, वो चीज़ें इससे बाहर ही पड़ रही है तो वो अच्छा नहीं लगेगा. एकदम प्रॉपरली चीज़ें होनी चाहिए. सो दैट्स व्हाई मैं ये सारे के सारे कटर्स यहाँ पे मूव करवा देता हूँ. एंड जो भी ऐसे सामान आएगा ना वो मैं यहाँ पे स्टोर करवाने वाला हूँ. एंड ये वाला डोर यहाँ से भी ओपन होता है ताकि यहाँ से मैं जल्दी से जल्दी सामान लेके इसके अंदर रखवा सकूँ. तो ये मैंने ऑफलाइन करा था. एंड आज मैंने सोचा है कि हम ऑटोमेटिक फीडर भी बनाएंगे और अपने बार को भी एक्सटेंड करेंगे. तो सबसे पहले मैं देखता हूँ क्या इसके पीछे जगह है थोड़ी सी इसको एक्सटेंड करने के लिए. हाँ वैसे जगह तो काफ़ी सारी है. कहाँ पे गया बान? हाँ ये आ गया बान. अभी बान का बस हमको मिडिल सेक्शन बनाना है यहाँ पे. बट क्या ये बनेगा? बट ये बनाने के लिए भी मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा यार, ये वाला सेक्शन को, है ना यार. इसको मैं ऐसे ही एक्सटेंड कर सकता हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है. इसको कनेक्ट करके मुझे बनाना था यार. आई डोंट थिंक सो कि ये ऐसे बनने वाला है. मुझे ये वाला सेक्शन तोड़ना पड़ेगा. बट उसके लिए अगर मैंने इसको तोड़ा तो सारे के सारे एनिमल्स बाहर निकल जाएंगे यार. तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ. वेट अ सेकेंड, मैं सबसे पहले एक बार देखता हूँ. एक काम करता हूँ, जो सारे के सारे पिग्स है ना उनको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ. एंड ये गेट को मैं बाद में बंद कर दूंगा. आ जाओ इधर आ जाओ. मैं दरवाजे को बंद कर देता हूँ, ये भी दरवाज़ा बंद होगा, तुम लोग इधर ही रहोगे ठीक है. फिर देखते हैं यहाँ पे कितने बंदे हैं. लेट मी सी, यहाँ से ये पिग बाहर नहीं जाएगा, तू बाहर नहीं जाएगा. कितने पिग है इसमें? या दो ही पिग है एंड एक छोटा सा पिग का बच्चा है. तो या इनको ना यहाँ से मैं, मतलब अगर ये भी यहाँ से बाहर चले गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी. एंड वैसे भी ये तीनों के तीनों पिग मोटे हो गए तो इनको मुझे मारना है. एक तो इसमें गोलियाँ कम है. ओके ये तो मरा हुआ ही है और छोटा बच्चा इधर उधर डर के घूम रहा है. अरे नहीं ये तड़प रहा है भाई, उसको मार दे. हाँ मर गया, आई थिंक मर गया. तो जल्दी से मैं इनको स्किन कर देता हूँ. और मुझे ये वाला बांध का सेक्शन अभी गाइस तोड़ना पड़ेगा बिकॉज बस यही टूटेगा ना या पूरा बांध टूट जाएगा. मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे इसको एक्सटेंड करना है. हाँ अच्छी बात है भाई. ओह एक सेकंड के लिए भाई मेरी जान तेली में आ गई थी, मुझे लगा ये पूरा का पूरा बांध ही टूट जाएगा बट ऐसा नहीं है. सो लेट्स मेक अ ब्लू प्रिंट मिडिल सेक्शन यहाँ पे. अभी क्यों नहीं बन रहा? हेलो व्हाट्स द प्रॉब्लम यार, ये यहाँ पे बन ही नहीं रहा तो मैं क्या इसको एक्सटेंड नहीं कर सकता यार? क्या पागल हो जैसी हरकतें हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा. ये लकड़ी भी यहाँ पे रास्ते में भी इसके कुछ नहीं आ रहा यहाँ. एक सेकेंड मैं एक बार देखता हूँ. सब कुछ साइड में तो रखा है ना मैंने, यहाँ एकदम सब कुछ साइड में है, कोई इशू नहीं है. बट ये बांध फिर भी नहीं बन रहा है मिडिल सेक्शन. आर यू सीरियस गाइस? यहाँ पे ना कोई भी सेक्शन वगैरह नहीं बन रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है
कि मुझे इस बांध को तोड़ना पड़ेगा और वापस से बना बड़ा बनाना पड़ेगा। यार ये तो डबल डबल हो गया। बट अभी एनीवेज मैं कर सकता हूँ इसको, कोई इशू नहीं है। अभी बस मुझे यहाँ पे ना एक बैरिकेड बनाना पड़ेगा ताकि एनिमल्स यहाँ से बाहर ना जा सके। मुझे यहाँ पे इनको खाना वगैरह भी टाइम टू टाइम देना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। मैं इसको जल्दी बना दूंगा क्योंकि इस बार हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये फेंस गेट लगेगा यहाँ पे। ओके ये एक सेकेंड, ये गेट है क्या, क्या है, वेट गेट नहीं, मुझे फेंस लगाना है। यहाँ पे फेंस लगेगा, इन काउस को मुझे इस तरफ लेके आना है। अब इधर आओ, इधर आओ, चलो इधर आ, काउ 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 इधर आ, इधर आ काउ। या सारे के सारे काउस यहाँ पे रहेंगी और मैं थोड़ी सी वुड लेके आता हूँ। यहीं पे वुड है, वुड की तो कोई वैसे कमी है नहीं हम लोगों को। तो ये फेंस को लगा लेता हूँ यहाँ पे, लगा दिया। ओके परफेक्ट, ये यहाँ पे नाइस। और अभी एक में हो जाएगा काम आई थिंक। बाहर अभी काउ, बाहर नहीं, बाहर नहीं, बाहर नहीं यार, बाहर नहीं। आ जा इधर आ जा, बाहर क्यों आ रही है? एक तो इशू यहाँ पर अलग है और ये इसको बाहर जाने का, या तो बाहर नहीं जाएगी ठीक है। और दूसरा पिक तो ऑलरेडी बाहर घूम रहा है, पता नहीं कैसे बट घूम रहा है वो बाहर। और अभी यहाँ पे भी एक मुंह को ये लगाना पड़ेगा जस्ट लाइक दिस, परफेक्ट। और ये काव तो इधर आ जा, चल। ओके काव इधर आ गई एंड अभी इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ओके गाइस कंप्लीटेड, अब यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाएगा ठीक है। मैंने पूरा का पूरा गाइस बांध तोड़ दिया है और यहाँ से भी हमको काफ़ी सारी वुड मिली है। ये वुड मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसे साइड में थोड़ी देर के लिए। सबसे पहले ना मैं इनका स्किन कर देता हूँ और इनसे जो मीट निकलेगा मुझे उनको कलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसी की वजह से मैं ये बना नहीं पा रहा ठीक से। तो ये आ गया बाउल यहाँ पे और ये काफ़ी ज़्यादा मीट है और इससे में भी मुझे बहुत सारे पैसे भी मिलने वाले क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े वाले मोटे वाले पिक्स थे और दो तीन को मैंने तो पहले ही मार दिया था। तो ये एक आएगा यहाँ पे, परफेक्ट। टू इसका स्ट्रक्चर बना दिया हमने, एग्जैक्टली इसी जगह पे बनेगा, परफेक्ट बन रहा है क्या, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ इसी जगह पे बनाते हैं गाइज एंड इस बार नाम हम मतलब बड़ा बनाएंगे। तो मिडिल बांध सेक्शन यहाँ पे, यहाँ पे ये बड़ा क्यों नहीं बन रहा है भाई, व्हाट्स द इशू? ओके एक सेकंड, ये मैं भी लकड़ी बीच में आ रही है, वेट वेट वेट, ये लकड़ी बीच में आ रही है, उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ थोड़ा इधर, थोड़ा इधर। ओके अभी बनना चाहिए प्लीज़। मैंने सुना है कि यार हम बड़ा बना सकते हैं मिडिल। हाँ बन, ओके बन रहा है, बन रहा है। ओ भाई अभी बन रहा है, देखा यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं हो जाएगा ना यहाँ पे। ओके एंड ये मे भी अभी इसका हम एंड बनाएंगे बैक सेक्शन वन का, लेट्स गो। ओके गाइज पूरा का पूरा लेआउट हम लोगों ने तैयार कर दिया है और अभी बस मुझे वुड लेके आनी है और ये पूरा का पूरा जो बान है उसको कंप्लीट करना है धीरे धीरे। तो अभी मैं सबसे पहले मेरे पास जितनी भी वुड है ना सारी की सारी वुड मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एंड देन अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं वापस से नहीं लेके आऊँगा ठीक है। हमारे पास वैसे काफ़ी सारी वुड है तो दिक्कत का कोई भी इशू नहीं है। ओ बीच वाला सेक्शन बन गया, लेट्स गो। अभी ये वाला सेक्शन यहाँ पे क्या बाकी है भाई, ये वाला भी बन जा। ओके ये लगाना बाकी था। ओके गाइस देखा सामने वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, अभी बस थोड़े से मुझे और सेक्शंस बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे एक बनेगा, ये छत बन गई एंड ये आखिरी यहाँ पे, परफेक्ट। और आई थिंक वुड खत्म हो चुकी है। हाँ नहीं नहीं भाई ट्रेलर में तो काफ़ी सारी पड़ी है तो भाई ट्रेलर को लेके आते हैं एक बार, इनके ऊपर ध्यान देते हैं। पानी वड़ा वहाँ पे पड़ा हुआ है, खाना खत्म हो गया और खाने के लिए ही मुझे एक पूरा का पूरा अलग सा सिस्टम बनाना था इनके लिए। तो मैं ये बांध को यहाँ पे लगा के ये खाना, ओ ये बच्चा मर गया क्या? ओ नो गाइज, अबे यार ये बांध के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा गंदा वाला इशू होने वाला है, इन लोगों को खाना ही नहीं मिल रहा है। बट छोटे छोटे बच्चे, या भाई खाना खा लो गाइज, मुझे जल्दी ना बांध का काम गाइज कंप्लीट करना है, हमारे पास ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं है। देन मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक फीडर सिस्टम बना दूंगा भाई मेरा ट्रेलर। अभी मैंने कितनी दूर उसको पार करा है, लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे लेके आया था ये मीट बेचने के लिए मैं जाने वाला था बट फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले बांध का काम कंप्लीट करते हैं एंड देन हम मीट बेचेंगे। अभी ये कार्ट को सबसे पहले पीछे की तरफ लेके जाता हूँ मैं। हाँ अभी देखो अभी काफ़ी बड़ा लग रहा है ना, अगर बड़ा रहेगा ना तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स हम फिट कर पाएंगे। अभी ट्रेलर ऐसे पीछे आएगा एग्जैक्टली। ओके स्टॉप द ट्रेलर एंड अभी सारी की सारी वुड लेके इसको गाइस जल्दी से मैं ना कंप्लीट कर देता हूँ। कंप्लीट कंप्लीट। ओके गाइज फाइनली पूरा का पूरा बांध कंप्लीट हो चुका है। हाँ अभी देखो कितना ज़्यादा बड़ा बना दिया हम लोगों ने। एक डोर लगेगा यहाँ पे, डोर के लिए मैं भी थोड़े से या मेटल चाहिए, मेटल के पीसेस अपने पास पड़े हुए हैं। तो ये वाला एक मेटल पीस है, एक ही था भाई, लास्ट टाइम मैंने बहुत सारा रखा था, आई थिंक यूज़ हो गया। और थोड़ा सा मेटल पीस आई थिंक बाहर भी पड़ा हुआ है, या यहाँ पे भी एक थोड़ा सा मेटल पीस पड़ा है। ओके इसके अंदर 5 है टोटल मेटल के पीसेस एंड एक दो पिक्स बाहर भी घूम रहे हैं तो इसके अंदर मैं एक मेटल का पीस लगा देता हूँ। नहीं अरे डोर के लिए एक ही चाहिए होता है। ओके मुझे लगा ज़्यादा चाहिए, एक और मेटल का पीस यहाँ पे लगा दिया एंड देन हमको थोड़ी सी वुड चाहिए। वुड इसके लिए कितनी चाहिए वैसे? 12 प्लैंक चाहिए। ये वाला डोर कंप्लीट हो गया गाइज, अभी बस ये वाला डोर को कंप्लीट करना है। मे बी ये इतने में हो जाएगा, 1 एंड ये 2। बस एक भाई एक आखिरी प्लैंक, इतना छोटा सा। एनीवेज
सारी की सारी वुड यूज हो गई एंड ये डोर आखिरी फाइनली पूरा का पूरा गाइस बांध कंप्लीट हो चुका है भाई। बहुत ज़्यादा टाइम लगा ये बनाने में, बट एनीवेज इट्स वर्थ इट, हमने बना दिया। और इस गेट को भी यहाँ से मुझे बंद करना है एंड अभी बस मुझे एनिमल्स को अंदर शिफ्ट करना है, ठीक है। ये तोड़ दो यहाँ से और भाई चलो भी अंदर आ जाओ, ठीक है। एक एक करके अंदर आओ, ये काउ को अंदर लेके चलते हैं। ये सबसे पहले पिक्स के बच्चों को, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा प्रीशियस ये वाले बच्चे। एंड वेट भाई, बांध का मेन गेट तो बनाना मैं भूल ही गया। हाँ भाई, इसको मैं कैसे बोल सकता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है सबसे। ये अबे पिक उधर क्यों जा रहा है, गधा कहीं का ये। एनीवेज ये वाला गेट यहाँ पे बनेगा। इसके लिए 16 प्लैंक चाहिए एंड 3 मेटल चाहिए। मेटल तो यहाँ भी यहीं पे पड़ा है, 4 मेटल है। लेट्स गो, मेटल का काम हो गया। अभी मुझे प्लैंक लेके आने पड़ेंगे। कार को सामने लेके आता हूँ मैं थोड़ा सा। ओपन द डोर एंड कंप्लीटेड, मेन डोर भी गाइस बन चुका है। अभी जल्दी से मैं सारे के सारे एनिमल्स को अंदर लेके आता हूँ। आ जा काऊ, इधर आ जा, चल। ओके, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, बाहर नहीं जाएगा। अभी अंदर आ जाओ यार, ये बाहर, अंदर आ जाओ गधे, अंदर जाओ, अंदर जाओ, लेट्स गो। ओके, अंदर आ गई फाइनली। यार उधर जाओ, इनको ना मैं मार भी नहीं सकता जैसे माइनक्राफ्ट में एनिमल को मार सकते हैं। ये मारने के बाद तो इधर उधर भागते हैं। अभी छोटे छोटे पिक्स के बच्चों को लेके आते हैं। अभी भाई ये लोग कभी कब बड़े होंगे पता नहीं मुझे। ओके, एक बच्चा आ गया, दरवाज़ा बंद करो एंड दरवाज़ा ओपन करके दूसरी तरफ चलो जल्दी से। दूसरा पिक का बच्चा आएगा अभी एंड एक पिक का बच्चा घर के अंदर ही घूम रहा है। एंड यार ये दो बच्चे तो खाम मारे गए। आ जा पिक, चल, आ रहा है, आ रहा है। ओके, आ रहा है ये, अभी इसको भी अंदर लेके चलते हैं। ओके, ये वाला भी पिक का बच्चा आ गया। फाइनली सारे के सारे पिक्स के बच्चे अंदर आ चुके हैं और अभी बस मुझे इनके लिए यहाँ पे खाने का सिस्टम बनाना है। एंड ये जो कंपार्टमेंट्स है वो मैं बाद में बना दूंगा, उसके लिए बहुत सारी वुड चाहिए होती है, वो तो अभी मेरे पास है नहीं। अभी बस ये कंपार्टमेंट्स कहाँ से बनते हैं, यही पे ऑप्शंस था आई थिंक। वेट, इस गेम में हम लैम्प्स भी बना सकते हैं भाई, लाइट्स वाले। ओ भाई, ये मुझे बनाना था। ओके, हम ये भी बनाएंगे, बट सबसे पहले खाना, खाने पानी का सिस्टम बनाते हैं, बड़े वाले फूड बाउल। या ये बड़ा सा फूड बाउल यहाँ पे रहेगा, दो तीन बना देता हूँ मैं अभी के लिए। एक और यहाँ पे रहेगा और एक यहाँ पे रहेगा, एक यहाँ पे रहेगा। एंड पानी के लिए भी मुझे वाटर बाउल बनाने हैं, जो कि इनके साइड में रहेंगे ऐसे ऐसे करके। हाँ, ये जब मैं कंपार्टमेंट्स बनाऊंगा ना तब ये यहाँ पे यूज़फुल रहेगा, ठीक है। अब मैंने दो तीन बना दिए, इसके लिए बस मुझे वुड कलेक्ट करनी है। वही बहुत सारी वुड चाहिए, 16 प्लैंक चाहिए। ओके, एनीवेज हम ला देंगे। मेरे पास ऐसे कितने, काफ़ी सारे वैसे, दिक्कत की कोई बात नहीं है। इसको ओपन करके सीधा अंदर रखवा दो। अरे यार, ये कार को ना सबसे पहले मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। वेट, एक काम करता हूँ, अभी इनकी यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ। मैं बाद में यहाँ पे ये फेंस गेट लगा दूंगा। ओके, एंड देन पानी वाला बाउल बनेगा और ये बन गया पानी वाला बाउल। फाइनली खाने पानी का मैंने इन लोगों का सिस्टम कर दिया है और अभी बस मुझे यहाँ पे खाना लेके आना है इस बाउल के अंदर। और मैं भी, मेरे पास खाना है, पर मैं चिकन्स के पास जाके देखता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ओ, इन्होंने बच्चे कब दिए भाई। ओ, कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे चूजे हैं भाई। ओके, इनका क्या हो रहा है। ओ, इनके पास, ओ नो 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 गाइज, इनके पास भी खाना नहीं है गाइज, मुझे जल्दी से जनरल स्टोर्स में जाना पड़ेगा। ये लो भाई, पानी पी लो, चिकन्स के लिए पानी भी रख दिया यहाँ पे। और अभी जल्दी से गाइज मुझे वापस जाना पड़ेगा क्योंकि काउस के लिए बिल्कुल भी खाना नहीं है भाई। ओके ओके ओके, जल्दी 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 अभी सीधा जनरल स्टोर पे चलते हैं। और ध्यान से भाई, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, एक्सीडेंट हो जाएगा। भाई भाई, क्या हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही स्पीड में आ गया था मैं। एनीवेज, ये आ गया हमारा पिज्ज़ा शोर बर्गर शॉप। अभी प्राइस कितना मिल रहा है, 1.9% मल्टीप्लाई भाई, कोई बात नहीं, ले लेते हैं। टोटल 1300 भाई, $1300। और अभी मेरे पास टोटल आ जाएंगे 5000, लगभग $6000 आ गए। लेट्स गो, काफ़ी सारे पैसे आ गए। और वेट, अबे इसका तो मीट हमने बेचा ही नहीं है। हाँ, ये भाई, ये तो, वेट एक सेकेंड, बस एक डिब्बा बेच के इतने आ गए। वेट 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 भाई, मैंने क्या बेच दिया, मैंने लकड़ी तो नहीं बेची ना अभी, अभी तो मैंने कुछ भी बेचा नहीं है। व्हाट भाई, मैंने क्या बेच दिया। हेलो, अभी भी मीट यहीं पे पड़ा हुआ है। व्हाट, क्या हो गया ये, क्या कोई ग्लिच आ गया। ओ, अभी $3000 मिल रहे, आर यू सीरियस भाई, ये पैसे कहाँ से भाई, कोई ग्लिच हो गया या मेरे पास ही ज्यादा। गाइस, $9000 हो गए, आर यू सीरियस। ओके ओके ओके, तो आई थिंक जो बड़े पिग्स होते हैं ना उनका मीट ज्यादा महंगा बिकता है मेरे हिसाब से। ओ भाई, ये तो दिन काफ़ी सही बात है। और अभी मुझे जाना है सीधा जनरल स्टोर्स पे, वहाँ से मुझे खाना लेके आना है पिक्स के लिए। एंड देन मुझे उसके बाद ऑटोमेटिक फीडर सिस्टम बनाना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे हर बार यार अपना काम छोड़ के इन लोगों को खाना वगैरह पिलाना पड़ता है। जा भाई सामने से, और लास्ट टाइम यहाँ पे मैं ईट की बोरियाँ लेके नहीं गया था, तो मैं इन्हीं को भी कार के अंदर लोड करवाने वाला हूँ जल्दी से। अपनी कार को स्टार्ट करके सीधा अपने घर के लिए निकलते हैं क्योंकि मुझे
बाकी का भी काम करना है भाई। ये मांगे अपने रेंज पे, जल्दी से रेंज से उतरो कार से एंड उन पिक्स को खाना खिला देते भाई जल्दी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ओके ओके ओके, कोई मरना चाहिए प्लीज़ बस। ओके okay, खाना भाई, खाना लगभग खत्म हो गया था, एकदम राइट टाइम पे गाइस आ चुका हूँ वापस खाना लेके। ओके okay, इसको बंद करो, थोड़ा सा और दे दो। हाँ अभी ये लोग मरेंगे नहीं। और पानी, वेट वेट, पानी पानी भी चाहिए, पानी इसके अंदर पानी है थोड़ा सा। नहीं यार कोई बात नहीं, एक और बार यहाँ से हमको पानी बाहर निकालना पड़ेगा, और इसी के लिए मुझे ऑटोमेटिक फीडर सिस्टम बनाना। यार हर बार ये निकालना बहुत मुश्किल होता है। देखा ये पानी आ गया यहाँ पे, फाइनली भाई सारा काम हो गया, और अभी बस मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिक फीडर बनाना है। लेकिन उससे पहले ये जो मैंने यहाँ पे भाई बहुत सारा वुड वगैरह फैला रखी है ना, वो मैं एक बार अपने कार के अंदर लोड करवा देता हूँ। तो सारी के सारी गाइस मैंने वुड यहाँ से साफ कर दिए, और ये पिक को भी मुझे स्किन करना पड़ेगा, बट इसको मैं बाद में स्किन करूँगा। सबसे पहले हमको वो ऑटोमेटिक फीडर बनाना है, उसको मैं देखता हूँ एक बार वो कैसे बनता है, मैंने कभी बनाया तो नहीं है। ऑटोमेटिक फीडर यहीं पे कहीं पे होता है आई थिंक, वेयर इज़ द ऑटोमेटिक। हाँ हमको ये ग्रैनरी बनाना पड़ता है, इससे आई थिंक इसके अंदर हम सारा का सारा गाइस फूड इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड विंड मिल पानी का काम करता है, मतलब ऑटोमेटिक ये अंडरग्राउंड से पानी कलेक्ट करेगा और जहाँ पे पानी की ज़रूरत है वहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। तो विंड मिल कहाँ पे बनाऊँ, ये विंड मिल को गाइस मैं साइड में बनाने की सोच रहा हूँ। ये ऐसे यहाँ पे कैसी लग रही है, हाँ काफ़ी कूल लग रहा है ये गाइस। और अभी इसके पीछे वो फीडर बनाते हैं, ये ग्रेनरी। ओह ये काफ़ी बड़ा बक्सा है भाई, गोल बॉक्स की तरह लग रहा है एक। हाँ ये यहाँ पे बन रहा है, तो एक बार इसको भी देखता हूँ मैं, ये अच्छा लगना चाहिए भाई दूर से, तभी मैं बनाऊँगा। काइंड ऑफ अच्छा लग रहा है मे भी ये बांध के साइड में, और मे भी मुझे ना ये दो दो भी बनाने पड़ सकते हैं बाद में फ्यूचर में। इसको बनाने के लिए 50 कॉन्क्रीट और 125 मेटल चाहिए, क्योंकि ये पूरा मेटल से बना है, दैट्स वाई। और यहाँ पे आई थिंक मैं ना अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं बाद में दो भी बना सकता हूँ, तो इसी जगह पे गाइस मैं बनाने के सोचा। तो जल्दी से काम करते हैं, ये वाला जो मेटल है ये मैं यहाँ पे इसके अंदर लगाना शुरू कर देता हूँ। एंड मुझे मेटल थोड़ा सा परचेस करने के लिए वापस से जाना पड़ेगा जनरल स्टोर्स पे, इसके लिए 150 और इसके लिए 125, और थोड़ा सा कॉन्क्रीट भी चाहिए। ओके कॉन्क्रीट 50 चाहिए, मे बी मेरे पास कॉन्क्रीट ना पहले थोड़ा सा पड़ा हुआ है, तो या उसी से हमारा काम हो जाएगा। और अभी मैं वापस से जाने वाला हूँ, तो इस पिक का भी मीट में कलेक्ट कर ही लेता हूँ। वे का भाई कितना सारा मीट है भाई, बड़े पिक से सीरियसली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये बॉक्स फिल हो गया, इसको उतारो, इसको भी निकालते हैं, कलेक्ट कर दो। एंड ये छोटे छोटे बच्चे मुझे इनका भी मीट कलेक्ट करना पड़ेगा। या ये भी और बन गया, और ये यहाँ से आखिरी वाला आएगा जस्ट लाइक दिस। ओके हो गया ये, एंड ये छोटे छोटे बच्चे इनका भी मीट, इनसे कितना ही मिलेगा, एक एक ही मिलेगा छोटा सा। ओके देयर यू गो, हो गया हमारा काम। और ये लकड़ी को मैं थोड़ा इधर रखवा देता हूँ, क्योंकि हमको अब इस बार थोड़ा सा मेटल ज़्यादा लेके आना है। लेट्स गो, बस मेटल ही चाहिए ना, या आई थिंक हमको मेटल ही चाहिए। और इस बार मेरे पास थोड़ा सा दूध भी है, तो दूध को भी लेके जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अंडे तो अभी तक मैंने कलेक्ट भी करे नहीं है भाई, अभी अंडों से भी हमको काफ़ी सारे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। अभी कलेक्ट द एग्स, ओह आई थिंक इसकी कैपेसिटी, ओह 40 एग्स भाई, और 40 एग्स आ गए और अभी भी वहाँ पे बहुत सारे पड़े। भाई 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 बहुत अच्छी तरीके से कैसे हमारा भी बिजनेस रन हो रहा है। तो भी जल्दी से ये सारा का सारा, एक सेकेंड, ये खाना जो है वो मैं यहाँ पे ना उतार देता हूँ चिकन्स के लिए। चिकन्स के लिए मैं खाना यहाँ पे उतार दूंगा। एंड क्या ये ऑटोमेटिक फीडर चिकन्स को भी फीड कर देगा, मुझे इसका भी कोई आइडिया नहीं है। तो एक काम करते हैं अभी जल्दी से, अगर हमको वो चीज़ ट्राई करनी है तो हमको जाना पड़ेगा जनरल स्टोर्स पे, नहीं इस पे जाना पड़ेगा हार्डवेयर स्टोर पे। वहाँ से हम बहुत सारा मेटल लेके आएंगे, और जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा मेटल और सीमेंट पड़ा हुआ है। या ओ ये एक सेकेंड, यहाँ पे भी थोड़ा सा पड़ा हुआ है भाई, वेट वेट वेट, ये मैंने सबसे पहले परचेस करा था। हाँ यहाँ पे 50 केजी की दो बैग्स हैं, तो ये बैग्स को मैं यहाँ पे रखवा देता हूँ। इसके लिए कंक्रीट चाहिए टोटल 50 कंक्रीट। ओके कंक्रीट तो बस 50 चाहिए, बस मेटल ज़्यादा चाहिए। ओके तो कंक्रीट तो हमारे पास पहले से काफ़ी सारा पड़ा हुआ है, तो भी जल्दी से चलते हैं और मेटल लेके आते हैं। ये तो अच्छा हुआ मैंने पहले से यहाँ पे परचेस कर रखा था। ओके उतर जाओ, एंड अभी इस मीट को भी बेच के आते हैं। अभी कितना प्राइस मिलेगा, 1.9 मल्टीप्लायर, कितने पैसे मिलेंगे भाई, 1800 भाई, इतने सारे पैसे भाई क्या ही बताऊँ मैं, $1800 मिल रहे हैं टोटल मुझे। पोर्क का $500 यहाँ से $600, और यहाँ से $228, एक्स के मुझे $240 मिल रहे हैं, तो मेरे पास टोटल $10,000 हो गए भाई साहब, क्या पैसे बन रहे हैं, लिटरली पैसा छप रहा है यहाँ पे। एनीवेज लेट्स गो, अभी हमको हार्डवेयर स्टोर पे जाना है और वहाँ पे जाके मेटल परचेस करके लेके आना है। ये आ गया गाइस हमारा हार्डवेयर स्टोर, जल्दी से अपनी कार को यहाँ पे मैं पार्क कर देता हूँ, बाय सम मेटल। तो टोटल मैं $2000 का मेटल बाय कर लेता हूँ, वहाँ पे टोटल 150 चाहिए था, या $3000 का गाइस मेटल बाय कर लिया है भाई। सारा का सारा मैं कार के अंदर
लोड करवा देता हूँ, लेट्स गो। ओके गाइज, सारा का सारा मैंने मेटल कार के अंदर लोड करवा दिया है, अभी जल्दी से अपने फार्म पे वापस चलते हैं। एंड बस 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 अभी बस सीधा पहाड़ के ऊपर कार लेके आ गया मैं, और अभी बस हमको मेटल इसके अंदर लगाना है। ये आ गया इसके अंदर 50, थोड़ा सा और आएगा, ये 100 हो गया, और इतने में कंप्लीट हो जाएगा। ओके 125। ओ कॉन्क्रीट, हाँ कॉन्क्रीट भी तो चाहिए ना, मैं कॉन्क्रीट भी लेके आया हूँ, डोंट वरी, मुझे लगा मैंने कॉन्क्रीट में लिया ही नहीं। ये यहाँ पे जाएगा थोड़ा सा, और अभी कॉन्क्रीट चाहिए ना, कॉन्क्रीट का 50 kg का बैग है हमारे पास। एंड और एक चाहिए, ओके एक और है, ओके हो गया गाइस, बन गया ये, नाइस। और अभी बस इसको बनाना है विंड मिल को, उसको लगाना ये मेटल। यहाँ पे कोई इशू तो नहीं है ना, नहीं तो भाई भाई बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। या ये मेटल और एक चाहिए होगा, ओके एक और आ गया, लेट्स गो कंप्लीट प्लीज़। अबे यार ये 50 kg का नहीं है, वो मैंने छोटा लेके आया था 50 kg, हाँ ये 50 वाला है, इसके अंदर 50 मेटल है। एंड कंप्लीटेड, फाइनली गाइज ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। ओके और ये विंड मिल ने काम करना भी शुरू कर दिया, बट अब इसको यूज़ कैसे करते हैं। हेलो होल्ड R2 फिल फीडर विथ फूड ऑफ वर्थ $200। ओके आर दबाने के बाद, ओ इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ गया, ओके 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 लेट्स गो, लेट मी सी, बाहर 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 कोई नहीं आएगा, लेट मी सी इसके अंदर फूड आ गया क्या, अरे नहीं आया फूड। हेलो गाइज वाई इट्स नॉट वर्किंग, मैंने फूड तो डाल दिया है ना, वेट क्या हो गया ये, अभी फूड आ गया क्या उसके अंदर, अभी ऑटोमेटिकली ये चीज़ काम। अबे यार काउ बाहर काहे काहे घूम रही है बाहर। ओके ओके गाइज ओके ओके मुझे ओके समझ गया मैं, तो जैसे फूड ख़त्म होगा मुझे बस उसके ऊपर जाके ये घुमाना पड़ेगा। चिकन्स का भी ये फीड करता है क्या, ओ ये चिकन्स का भी ऑटोमेटिकली फीड करता है भाई, ओ देन ये बहुत यूज़फुल चीज़ है भाई। एक काम करता हूँ मैं ना एक और वो यहाँ पे बना के देखता हूँ फीडर, देन पता चलेगा कि ये एक्चुअल में कैसे काम करता है। इसके लिए थोड़ी सी प्लैंक चाहिए, ये बन गया, ओके दूसरा फीडर भी बन गया, और इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ गया भाई 21। जैसे हम बनाते हैं ऑटोमेटिकली वहाँ से फूड या इसके अंदर फिल होना शुरू हो जाता है भाई, ये बहुत काम की चीज़ है। और पानी भी आई थिंक फीड होता होगा ना ऑटोमेटिकली, एक और पानी का भी ये बना के देखता हूँ। इसके अंदर भी मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, और इसको बनाने के लिए थोड़ी सी हमको और प्लैंक्स चाहिए होंगे, बाहर जाके कार के अंदर काफ़ी सारे प्लैंक्स पड़े, वो लेके आता हूँ मैं। कंप्लीटेड, और ओ देखा इसके अंदर ऑटोमेटिकली पानी आना शुरू भी हो गया गाइस, सो फाइनली पानी और खाना जो है अभी यहाँ पे ऑटोमेटिकली फीड होता रहेगा। मुझे बस वहाँ से जैसे ये खाना ये ख़त्म होगा ना, मुझे बस उसके अंदर रिचार्ज करवाना है, हम बोल सकते हैं। देखो अभी यहाँ से ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, एंड मैं यहाँ से इसे रिचार्ज करवा सकता हूँ, जस्ट R2 रिफीड, देखा $38 का इसमें ऐड हो जाएगा, दैट्स सो ईजी, और $38 मेरे माइनस हो गए। सो फाइनली हमारा फीडर और जो बान है उसको हमने अपडेट कर दिया है, अभी ऑटोमेटिकली खाना पानी ऑटोमेटिकली फीड होता रहेगा। तो मैं भी आज के लिए बस इतना ही था, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वाले एपिसोड में हम इस गेम की जो नई नई चीज़ है उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट बाय गेमर्स।